अगर आप एक क्लीनिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो बधाई हो, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आज के टाइम में क्लीनिंग बिजनेस की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इंडिया में। लोगों को अपने ऑफिस की सफाई के लिए, जिमों की सफाई के लिए, इसी के अलावा शॉप्स जो बड़े होते हैं या शॉपिंग मॉल्स होते हैं उनकी सफाई के लिए, सिनेमा हॉल्स की सफाई के लिए, इसी के अलावा अपने घरों की सफाई के लिए क्लीनिंग वालों को बुलाना पड़ता है। और जो लोग भी क्लीनिंग की सर्विसेज देते हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है, क्योंकि उन्हें काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें मिलता है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है आपको, कहां पर आपको इसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट हमारा लगेगा इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में, और कैसे हम इस इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल ना के बराबर कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इसमें हम कितना कमा सकते हैं, ऐसी ही कई सारी चीज़ें। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ हम क्लियरली बता दें कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए मैं टोटल आपको 5 पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूं, और ये 5 पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, तो इन 5 पॉइंट्स को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। पॉइंट नंबर 1 की बात करें, सबसे पहले तो आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कहाँ पर करेंगे। देखिए, अब ये कोई ऐसा बिज़नेस तो है नहीं जो आप कहीं पर भी शुरू करेंगे और चल जाएगा। अगर आप किसी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं और आपका शहर कोई छोटा मोटा है और आप वहाँ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि ये आपकी केवल एक बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वहाँ की ना तो इतनी आबादी है जहाँ पर आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, और ना तो वहाँ इतनी इसकी रिक्वायरमेंट होगी। मोस्टली छोटे शहरों में ऐसा होता है कि लोग अपने आप से अपना घर साफ कर सकते हैं, या कुछ अगर इक्का दुक्का लोग होंगे भी तो वो अपने आसपास जो नौकर लोग रहते हैं उनको ही बुलाकर अपने क्लीनिंग करवा लेते हैं, उन्हीं को पैसे दे देते हैं, काम ख़त्म। उन्हें प्रोफेशनल क्लीनर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगर यहीं हम बात करें किसी बड़े सिटी में, अगर आप हैं जैसे आपका लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया या मुंबई हो गया, ऐसे सिटीज़ में लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपने आप से घर क्लीन कर पाएँ, या फिर उन्हें और भी कई सारे काम होते हैं जिसके वजह से उन्हें एक प्रोफेशनल क्लीनर की ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ पर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम काम मिल सकता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ के रख लीजिए कि किसी छोटे शहर में अगर आप इसे स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी नहीं करिए, क्योंकि यहाँ केवल आपका लॉस होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसी के साथ में अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं सिटी के अंदर, तो सिटी के अंदर ही आपको छोटा सा एक ऑफिस अपना ज़रूर कहीं बनाना है, चाहे वो आप अपने घर में ही बना सकते हैं या फिर अगर आप कहीं शॉप ले सकते हैं रेंट पे तो वहाँ बना सकते हैं। बट एक ऑफिस की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ आप अपना सारा सामान रखेंगे, और इसी के अलावा अगर किसी को कॉन्टैक्ट आपसे करना होगा तो आपका एक स्थायी एड्रेस वहाँ पर रहेगा जहाँ पर आके लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर उन्हें आपकी ज़रूरत होती है तो वो किसी अन्य व्यक्ति को भी आपके पास भेज सकते हैं। सेकंड चीज की बात करें तो आपको यहां पर 2 से 3 बंदों की जरूरत पड़ेगी इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो यहां पर आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। पहली चीज तो अगर आपको पता है कि मेरे पास इतने सारे कस्टमर्स ऑलरेडी हैं और मैं अगर काम करना स्टार्ट करता हूं तो वो सारे के सारे कस्टमर्स मेरे पास आएंगे और मेरा इतना एस्टिमेट मंथ का बन जाएगा, आपने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, तो आप कुछ बंदों को हायर कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये आता है कि अगर आप बिल्कुल नया इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं और आपके पास बिल्कुल भी कस्टमर बेस नहीं है, तो आप कुछ ऐसे बंदों को चुनिए जो साफ सफाई करने में बिल्कुल भी हिचकिचाए ना, और उन्हें आप कहिए एज अ पार्टनर आप मेरे साथ रह सकते हैं कि जितना प्रॉफिट होगा उसका हम लोग आधा आधा कर लेंगे। ऐसे में क्या होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज की शुरुआती तौर पर कई बार ऐसा होता है कि आपको जल्दी काम नहीं मिलता है, तो वैसे में आपका कुछ लॉस नहीं होगा क्योंकि आपको किसी को सैलरी नहीं देनी है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपको काम मिलना शुरू हो जाता है या जितना भी मिलता है उसका जितना भी अर्निंग होगा शुरुआती लेवल पर, तो उसमें जितना भी प्रॉफिट होगा सब लोग बराबर से बांट सकते हैं, तो उसमें किसी का लॉस नहीं होगा, सबका प्रॉफिट होगा। पर ध्यान रहे, जब आप क्लीनिंग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसमें कार क्लीनिंग, हाउस क्लीनिंग, जिम वगैरह क्लीनिंग तो होता ही है, इसी के साथ में वॉशरूम वगैरह भी क्लीन करना पड़ता है अगर आप किसी मकान में जाते हैं। तो ऐसे बंदों को आप रखिए जो कि साफ सफाई करने में बिल्कुल भी हिचकिचाए ना, क्योंकि अगर वो ऐसा कहेंगे कि नहीं मैं वॉशरूम वगैरह क्लीन नहीं करूंगा तो वैसे में फिर आपका बिजनेस नहीं चल सकता है।
क्योंकि हमारे भारत में वर्ण व्यवस्था नाम की एक चीज़ है कि भाई ये काम शूद्र करेगा, ये काम ब्राह्मण करेगा, ये काम क्षत्रिय करेगा और ये काम वैश्य करेगा, तो सबके काम अलग अलग डिवाइडेड थे एक टाइम के अंदर, बट कॉन्स्टिट्यूशन के बाद सबको एक समान अधिकार दिया गया है। पर फिर भी यहाँ पर अगर लोगों को ऐसा अभी भी लगता है कि नहीं ये काम हमारा नहीं है, तो वैसे बंदों को अगर आप अपने साथ रखेंगे तो आपका बिजनेस नहीं चल सकता है। अगर आप बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको पुराने ज़माने से निकल कर थोड़ा आगे आना पड़ेगा। नंबर 3 की बात करते हैं, भैया कुछ बेसिक मशीन्स आपको लेनी होंगी कि जितने भी पार्टनर्स होंगे वो सारे लोग मिलके पैसे लगाकर वो मशीनें खरीद सकते हैं, जिनसे आपकी जो लागत है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। इन मशीनों में कुछ मेन मशीन्स हैं, जैसे आपका वैक्यूम क्लीनर हो गया या क्लीनिंग मशीन हो गया, वाइपर नॉर्मल जो 60-70-80 रुपये या 100 रुपये तक मिल जाएगा आपको, 2-3 वो खरीद सकते हैं आप। उसी के अलावा झाड़ू जाले साफ करने वाले जो इलेक्ट्रिक मशीन्स आते हैं या फिर मैनुअल मशीन्स होती हैं वो खरीद सकते हैं। और इसी के अलावा कुछ केमिकल्स की जरूरत पड़ेगी जो कि काफी ज्यादा महंगे नहीं आते, 150-200 रुपए में आप अच्छी खासी क्वांटिटी खरीद सकते हैं। एंड नंबर 4 की यहाँ पर अगर हम बात करें तो नंबर 4 पर यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाने की, तो आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा सकते हैं। और इसी के अलावा यहाँ ज़रूरत होगी आपको आपके बिजनेस के एडवर्टाइजमेंट की, जिसके बाद से आपका बिजनेस चलना शुरू होगा। तो आप पोस्टर बैनर वगैरह छपवा सकते हैं या आप अपने आसपास के एरिया में जितने ऑनलाइन एडवर्टाइजर्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन भी आप एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं अपने लोकल एरिया में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो सके कस्टमर्स तक आपकी। क्योंकि जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होगी आप उतना ही ज़्यादा काम प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 5 की बात करते हैं, हमारा यहाँ इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट कितना होने वाला है इस बिज़नेस को अगर हम स्टार्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट हमारा यहाँ पर लगभग 10,000-15,000 रुपये होगा, जिसमें हमारी बेसिक मशीन्स होंगी और इसी के साथ में यहाँ पर हमारा जितने भी केमिकल्स होते हैं वो होंगे। और अगर हम इसमें प्रॉफिट की बात करें कि हमारा प्रॉफिट कितना होगा, तो ये मान के रखते हैं कि एक घर को क्लीन करने के अगर आपको 4,000 रुपये भी मिलते हैं और आपको यहाँ पर मंथ में 20 घर मिल जाते हैं या ऑफिस घर सब मिलाकर 20 जगह काम मिल जाता है और आप 4,000 के हिसाब से लेते हैं, तो यहाँ पर आपके बनते हैं 80,000 रुपये मंथ के। बट ये नहीं कहा जा सकता कि शुरुआत से ही आपको इतना काम मिलना शुरू हो जाएगा। पहले आपको एडवर्टाइजमेंट करनी होगी, अपनी मार्केट बनानी होगी, कुछ बेसिक जिम वगैरह होते हैं जो कि संडे को साफ होना ज़रूरी होते हैं, तो आप कुछ बेसिक जिम्स को पकड़ सकते हैं, ये हॉस्पिटल्स को, कुछ ऐसे दफ्तरों को पकड़ सकते हैं जो कि ज़रूरी है कि संडे को साफ हो, या उनको एक दिन चाहिए होता है कि उस दिन साफ होना ज़रूरी है, तो आप कुछ ऑफिसर्स को अपने एक साथ पकड़ लेंगे तो वैसे में क्या होता है कि आपकी एक मार्केट बन जाती है। तो यहाँ पर ये मान के रखते हैं कि अगर आपको 4,000 रुपये के हिसाब से 20 जगह भी काम मिल जाता है मंथ में, तो आपके 80,000 बनते हैं। और अगर आप 4 लोग भी पार्टनरशिप में हैं तब भी यहाँ पर आप लोगों के हिस्से में 20,000 रुपये आसानी से आ जाते हैं। और अगर बड़ी सिटी है और बड़ा काम आपको मिलता है तो ये अमाउंट आपका ज़्यादा भी हो सकता है, और अगर छोटा काम है तो ये अमाउंट उसी हिसाब से कम भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप क्लीनिंग बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।